नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप पुरुष हैं और आपको यूरिन संबंधित परेशानी जैसे बार बार यूरिन का आना, यूरिन में जलन होना, यूरिन का रुक रुक के आना, ड्रॉप ड्रॉप करके आना, सही से यूरिन एक बार में पास ना होना, यूरिन पास करने में दर्द या ऑब्स्ट्रक्शन का फील होना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी इसके पीछे के कारणों के बारे में, इसके मेन इंपॉर्टेंट लक्षण कैसे आप पहचानें कि आपको क्या दिक्कत हो रही है, और एक मेरा बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन जिसे मैं अपने क्लिनिक से लेकर ऑनलाइन पेशेंट सबको देती हूँ और उनको बहुत ही अच्छे मैजिकल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरुषों में यूरिन के गड़बड़ होने के पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, प्रोस्टेट इन्फ्लेमेशन जिसे प्रोस्टाइटिस बोलते हैं, या यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर, कहीं पे हाइड्रोसील की कंडीशन में भी ऐसा होता है, सिस्टाइटिस यानी कि आपके ब्लैडर में सूजन हो रही है तो भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, स्टोन की कंडीशन है, या फिर आपको जो स्टोन है आपके यूरिथ्रल कैनाल में आके ब्लॉक कर रहा है, अंदर यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, इन सारे कारणों में आपको यूरिन में डिफरेंट टाइप ऑफ इशू देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको यूरिन बार बार लगना, यूरिन में जलन का होना, यूरिन पास करने में एक चुभन और डिस्कम्फर्ट फील होना, यूरिन का जो क्वांटिटी है या तो बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम आना, यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है रात में ज़्यादा बढ़ जाना, यूरिन में आपको एक ड्रिपिंग सी लगे कि यूरिन ड्रॉप ड्रॉप करके आ रही है, सही से पास नहीं हो रही है, एक ऑब्स्ट्रिक्शन सा आपको फील होना, ये शो करता है कहीं ना कहीं आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ना कोई इशू चल रहा है। जो मैंने इसके पीछे के रीज़न बताए, इनमें से कोई भी एक रीज़न आपको हो सकता है। इसके लिए अगर ये चीज़ आपको बहुत लंबे समय से चल रही है तो आप एक बार अल्ट्रासाउंड करके ज़रूर चेक करें, पता करें कि किस कारणवश आपको ये परेशानी हो रही है। स्पेशली अगर आप 40s और 50s में बिलोंग करते हैं तो आपका इसको अंडर गाइडेंस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट यानी जिसे BPH बोलते हैं या बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, होने का सबसे ज़्यादा संभावना होती है। इसके अलावा यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, ये किसी एज में हो सकता है, मेरे पास बहुत यंग बॉयज़ तक हैं जो 18-20 साल से लेकर उम्र तक के हैं जिनको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की हिस्ट्री है, या प्रोस्टाइटिस की हो सकती है कंडीशन कि आपको प्रोस्टेट में सूजन हो। इनलार्जमेंट एक अलग चीज़ होती है, सूजन आपको इन्फेक्शन के वजह से भी हो सकता है, तो प्रोस्टेट में सूजन हो, आपकी जो यूरेथ्रल कैनाल है उसमें कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, चाहे स्टोन के वजह से या कोई चीज़ आपको हाइड्रोसील है उसके वजह से भी कंप्रेशन हो रहा है, तो ये किसी भी कारणवश हो सकता है, तो इसके लिए हमें एक USG यानी कि अल्ट्रासोनोग्राफी करने की आवश्यकता है उसको फाइंड आउट करने के लिए। इसके साथ साथ अपना एक यूरिन चेकअप भी कराएं ताकि पता चले कि यूरिन में कोई ऐसी इन्फेक्शियस कंडीशन तो नहीं है जो आपको फ्रीक्वेंट UTI कॉज करी हो या उसके वजह से यूरिनरी इन्फेक्शन हो और आपके जो UTI ट्रैक है उनमें कोई इन्फेक्शन फैल रहा हो। अब बात कर लेते हैं होम्योपैथी के एक बहुत ही अच्छे कॉम्बिनेशन के बारे में, जो इन सारी ही चीज़ों को मैं जो ये कॉम्बिनेशन दे रही हूँ ये आपके यूरिनरी इन्फेक्शन पे भी काम करेगा, आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की कंडीशन में भी काम करेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप की कंडीशन में भी करेगा, प्रोस्टेट के केस में भी करेगा, इवन सिस्टाइटिस के केस में भी करेगा। तो ये मैं ओवरऑल दे रही हूँ, आपको जो भी तरह की दिक्कत है इस कॉम्बिनेशन से कवर हो जाएगी और आपको बहुत ही अच्छा डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं उस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन है, तो उसमें जो मेडिसिन है वो है सबाल सेरुलाटा मदर टिंचर फॉर्म में। दोस्तों, सबाल आप सभी जानते हैं, अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं, वीडियोस देखते हैं, सबाल एक मेल इशू में स्पेशली यूरिनरी इन्फेक्शन में ये बहुत ही अच्छा काम करता है, प्रोस्टेट के केस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है, क्रॉनिक UTI कंडीशन में या सिस्टाइटिस की भी कंडीशन में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। सेकेंड मेडिसिन है दोस्तों, आपको लेना है सॉलिडेगो, ये भी आपको मदर टिंचर फॉर्म में ही लेनी है। दोस्तों, सॉलिडेगो उन कंडीशन में बहुत अच्छी काम करती है जब आपको फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन होते हों और उसके वजह से धीरे धीरे आपके ब्लैडर यानी कि जो यूरिनरी थैली है उसमें सूजन आती जा रही हो और उसके वजह से आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो, जलन हो, या आप यूरिन पास करके आए हैं थोड़ी देर में
में आपको वापस से यूरिन लग जाए तो उस कंडीशन पे सॉलिडाइगो बहुत अच्छी काम करती है। थर्ड मेडिसिन है पेरियावा ब्रावा मदर टिंचर फॉर्म में, ये बहुत अच्छा काम करती है ऑब्स्ट्रिक्शन के केस में या जो आपको यूरिन डिप ड्रिप करके आ रही है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रही है, उस कंडीशन को ठीक करने में जो पेरियावा है बहुत ही अच्छा काम करता है। फोर्थ मेडिसिन है चिमाफिला मदर टिंचर फॉर्म में, इसको भी आपको लेना है। ये क्रॉनिक इन्फेक्शन को ठीक करने में, क्रॉनिक फ्रीक्वेंट यूरिनरी इन्फेक्शन को ठीक करने में, चाहे प्रोस्टेट में सूजन रही हो, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हुआ हो या बार बार आपको किसी तरह का इन्फेक्शन होता हो उसके बाद ही कंडीशन डेवलप हुई है, इवन कोई सीवर वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हो, लाइक गोनोरिया हुआ हो या कोई एसटीडी डिजीज़ भी हुई हो, उसके बाद अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन में दिक्कत आ रही है तो चिमाफिला उस पर बहुत अच्छे काम करती है। फिफ्थ मेडिसिन है इक्विसिटम मदर टिंचर, वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन फॉर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन फ्रीक्वेंसी में आ रही है, स्पेशली रात में, ये सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है प्रोस्टेट पेशेंट्स में, सो अगर आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रात में यूरिन आपको बार बार जा रही है, तो इक्विसिटम को आप ऐड करें, ये आपकी यूरिन फ्रीक्वेंसी को भी कम करने में मदद करेगा। ये पाँचों मदर टिंचर्स आप सील पैक्ड किसी भी अच्छे ब्रांड की खरीद के ला सकते हैं और आप इसको एक बड़ी बॉटल में प्रिपेयर करें, इक्वल अमाउंट में डालें। अगर बॉटल अवेलेबल नहीं हो रही है तो आप आधा कप पानी लें, उसमें आप इन सभी की इक्वल अमाउंट को डाल के, जैसे आप 20 ड्रॉप्स लेना है तो चार चार बूंद इन सब में से डालकर आप उसको ले सकते हैं। अदरवाइज बॉटल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सबकी इक्वल अमाउंट को मिलाकर अच्छे से मिलाएं एंड उसमें से आप 20 बूंद एक चौथाई कप या आधा कप पानी में डाल के दिन में 3 बार लेना शुरू करें। ये यूरिन संबंधित हर परेशानी को ठीक करने में हेल्प करेगी। सेकेंड, आपको एक ट्राइचुरेशन मेडिसिन लेना है जिसे बोलते हैं फेरम पिक, 3x या 6x जो आपको अवेलेबल मिले, इन दोनों ही पोटेंसीज में आप ट्राई कर सकते हैं, इनमें से कोई एक लेनी है 3x या 6x पोटेंसी। 2 टैबलेट दिन में 3 बार लेना शुरू करें। ये ऑब्स्ट्रिक्शन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, साथ में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है। जो ऑब्स्ट्रिकल फीलिंग आती है, यूरिन डिपिंग है, फेरम पिक का इस पर बहुत अच्छा एक्शन है। ये इन्फ्लेमेशन को भी कम करने में मदद करती है। तो एक जो मदर टिंचर है वो और फेरम पिक, इसको ऐड करके आप थोड़ा लंबे टाइम तक लें, कम से कम 2-3 मंथ्स लगातार लें, आपको यूरिन संबंधित जितनी भी तरह की परेशानी है ये उनको ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इसको ट्राई करें, साथ में कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि आप यूरिन होल्ड बिल्कुल ना करें, पानी की मात्रा अच्छी रखें, स्पेशली अगर जो प्रोस्टेट पेशेंट हैं जिसे यूरिन फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, दिन भर पानी का सेवन अच्छा रखें, शाम से लेकर रात तक में पानी का इंटेक थोड़ा कम रखें ताकि आपको यूरिन रात में फ्रिक्वेंट ना जाना पड़े। और साथ ही आप यूरिन कोशिश करें, पब्लिक टॉयलेट अगर यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर सैनिटाइज या जो हाइजीनिकली मेंटेन जो बाथरूम से उन्हीं को यूज़ करें, क्योंकि यूरिनरी इन्फेक्शन बार बार होने से भी इस तरह की परेशानी होना एक बहुत ही आम बात है। तो दोस्तों, इस चीज़ों का ध्यान रखें, साथ में मेडिसिन का प्रयोग करें, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने वाली है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड हेल्दी।